श्यामल कमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाण्य महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। दर्शक बंधु आपण मानको समस्तनको भक्ति निर्माल्य मनोज प्रधान यूट्यूब चैनल रे पवित्र अगणा को मु स्वागत करूची। आपण मानकर प्रिय कथाकार प्रिय प्रवचक मनोज प्रधान। जय सीताराम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ महाप्रभु। आज पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंश तिलक रामचंद्र पवित्र राम कथा सर्वप्रथमे रामायण कथा कहिबा को गले मने पड़ती अकर्म कर्मदायक कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा बसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान। शंकर भगवान हूँ रामायण प्रधान आचार्य जी सदा सर्वदा राम नाम को जप करती आहती मु दिवानी श्री राम नाम जप करती सत कि राम रूप केमी मुझे जानी निज को निश्व कर दौरान शंकर भगवान पवित्र राम नाम जप करे। एपटे गोटे दिन देवता माने असुर माने एवं राक्षस माने समस्त आसी शंकर भगवान को पाखरे पहुंचले। प्रभु को जेते बेले मन सेते बेले दर्शन करी हबो। प्रभु कैलाश गिरी सब बेले भक्त मान खोला से दरबार रे बाछ विचार किछि नाही। अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान को देवता माने ऋषि माने ओ राक्षस माने समस्ते निवेदन करुछिले प्रभु आपन को जेते बेले इच्छा होती दर्शन करी होची किंतु प्रभु रामचंद्र को रात्रि बारटा पर मध्य रात्रि रे मध्य प्रभु रामचंद्र को दर्शन करी होली। शंकर भगवान हसी दौंती अति सुंदर भाव बुझौंट देवता मानू ऋषि मानू राक्षस मानू हे भक्तगण ये द्वार सदा सर्वदा भक्त मान खोला किंतु प्रभु रामचंद्र दरबार को जीवा तुमको परीक्षा देवाक पड़ब तुम निकटने पितृ मातृ प्रति भक्ति अच्छी ना नहीं जाना दरकार तुम निकटने मानवीय गुण अच्छी ना नहीं जाना दरकार बेक अच्छी ना नहीं जाना दरकार से राम दरबार गेट सामने राम दरबार प्रमुख द्वार सामने बसी वीर बजरंग वाली से सदा सर्वदा राम दरबार को जा भक्त मान परीक्षा करती एवं तांकर दिव्य दृष्टि द्वारा जानी पारंती जे प्रभु रामचंद्र को दर्शन करिया पई योग्य ना नाही। सेति पई तुलसीदास लेखिले सुंदर भावरे हनुमान चालीसा रे राम दुआरे तुम रखवारे होत नाज्ञा बिनु पैसारे। भक्तवत्सल हनुमान राम दुआर दरबार रखवाली कि अछंती स्याग जानिबे परखिबे आम मानक भितर योग्यता आसीना नहीं प्रभु रामचंद्र को दर्शन करिबा। भक्त बंधु प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को विषय जानिबा पाई ए रामायण विषय जानिबा पाई देवता माने असुर माने राक्षस माने शंकर भगवान को निवेदन कले कले हे शंकर आपण शतकोटी श्लोक रे ए रामायण को वर्णना करिछंती शहे कोटी श्लोक रे आपण रामायण को वर्णना करिछंती आमुक से श्लोक तक बांटि दिंतु। अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान स्वयं आशुतोष से देलावाला कहा को मना करी पारे कहार कथा भांगी पारे देवता मानू राक्षस मानू असुर मानू ऋषि मानू समस्त बांटी देले श्लोक तक केते लेखे बांटिले ना 33 कोटी 33 लक्ष 33 हजार 333 श्लोक ये असुर मानू ऋषि मानू देवता मानू बांटी देले शेष को गोटे श्लोक बढ़ला अर्थात 999,999,999 श्लोक तीन भाग विभक्त करदे 100 कोटी श्लोक को पवित्र प्रभु रामचंद्र कथा पवित्र रामायण को बांटी देले देवता ऋषि एवं असुर मान गोटे श्लोक बढ़ला तथापि से गोटे श्लोक को नापी ए देवता असुर और ऋषि माने जिदी धरिकी बसिले आमुक से गोटे श्लोक पुणी आपण दे दियं। शंकर भगवान चिंतार पड़गले अनुष्टप छंद अकर्म कर्मदायक शंकर से
ଶ୍ଳୋକକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଅନୁଷ୍ଠପ ଛନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତେ ବତିଶଟା ଅକ୍ଷର। ଏ ବତିଶଟା ଅକ୍ଷର ଭିତରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଦଶ ଦଶଟି ଅକ୍ଷର ଏ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ, ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏ ଦଶ ଦଶଟି ଅକ୍ଷରକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ରଖିଲେ। କହିଲେ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦେବି ନାହିଁ, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଶେଷ ଶ୍ଳୋକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ରଖିଲେ ରା ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ରଖିଲେ ମ, ରାମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଆଉ ସବୁତକ ଦେବତା ଅସୁର ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ରାମ ନାମକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ସାଇତି ରଖିଲେ, ଅହରହ ସେ ରାମ ନାମକୁ ଜପ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହଳାହଳ ବିଷ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନା, ରାମ ନାମ କଣ୍ଠରେ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବିଷ ଅମୃତରେ ପାଲଟି ଗଲା। ସେ ରାମ ନାମକୁ ଶଙ୍ଖାଳି କରି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅହର ଜପ ତପ କଲେ, ସବୁ ଦେଇଦେବି ସତ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବିନି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ରଖିବି, ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ଶ୍ରୀ ରାମମୟ ସବୁ ଜଗ ଜାଣି କରୋ ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଜଗ ପାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରାମ ନାମ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ରାମ ନାମ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଅମୃତ, ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର କଥା କଥା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭକ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରବଚକ ଉପସ୍ଥାପକ କଥାକାର ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।